हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉग लवर। हेलो, तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर की डाइट चार्ट प्लान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे बताने के साथ ही आपको भी अपने डाइट चार्ट में डॉग के हिसाब से कुछ डाइट प्लान्स इंक्लूड करने हो तो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि आप अपने लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर को कौन सी चीज़ें दें या कौन सी प्रोटीन दें, और कौन सी प्रोटीन की उनको सख्त ज़रूरत होती है या कौन सी उनको दे या नहीं दे। फिर हम बात करेंगे 1 मंथ से लेके 15 मंथ तक का, कौन कौन सी चीज़ें आपको उन्हें देनी है। फ्रेंड्स, इन डॉग को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन और फैटी एसिड जैसे विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और आप ध्यान दीजिएगा कि आप उन्हें सिर्फ वेज खाना ही मत दीजिए, इन्हें आप नॉन वेज भी दे सकते हैं। आप इन्हें सिर्फ वेज पे रखेंगे तो इनकी बॉडी ग्रोथ और जितना न्यूट्रिशन इनको चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो साथ साथ आपको वेज के साथ नॉन वेज भी उनको देना है। और ध्यान रखिएगा, इनको तीखा बिल्कुल मत दिए और कच्चा मांस बिल्कुल ना दे, और स्वीट कॉर्न भी उसे नहीं दे सकते, और राजमा भी आप उसे ना दे। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप उन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बात करते हैं 1 मंथ तक आप उन्हें क्या क्या दें। ध्यान रखिएगा, जब भी आप उन्हें अडॉप्ट करते हैं या घर लेके आते हैं तो आप उन्हें 1 मंथ के बाद ही लेके आइएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1 मंथ तक अपने डॉग को उनके मदर मिल्क पे रखना है और कोई भी चीज़ नहीं देनी है। आप उसे ओनली फॉर मदर मिल्क ही प्रोवाइड करना। तो आप उन्हें 1 मंथ या 1.5 मंथ तक घर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक आप उन्हें क्या देना है। आप ध्यान रखिएगा कि इस एज में उन्हें सिर्फ सेरेलैक्स ही देना है, और जैसे ही उसका मदर मिल्क बंद हो जाता है तब आप उनको कैल्शियम की जो गोलियां आती हैं उसे वो भी दे सकते हैं, जिससे उसकी एनर्जी बनी रहेगी और उसको प्रोटीन भी मिलता रहेगा। और साथ साथ ही ध्यान रखिएगा कि आपको उन्हें काउ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं देना है, क्योंकि उससे जो उन्हें लूज़ मोशन हो सकता है और उसका वेट गेन नहीं होगा और उसकी बॉडी भी ग्रो नहीं करेगी। और फ्रेंड्स, और आप उसको डॉक्टर के राय लेके भी कैल्शियम दे सकते हैं, यानी कि उसकी कैल्शियम की जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी, और आपके डॉग की जो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए कैल्शियम भी उसे ज़रूर दीजिएगा। अब बात करते हैं 2 मंथ से लेके 3 मंथ तक आप उसे क्या दे सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इस एज में उसका वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे चल के आपके डॉग को कोई डिजीज नहीं होगी या का डॉग बीमार नहीं पड़ेगा, और उसकी बॉडी भी जल्द से जल्द ग्रो करेगी। तो फ्रेंड्स, आप उन 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक पपी स्टार्टर चालू कर सकते हैं। मार्केट में आपके पपी के लिए बहुत सारे अलग अलग फूड आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपके डॉग को सूटेबल होगा वो आप उसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आप उसे रॉयल कैनल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो पेडिग्री भी आप उसे दे सकते हैं। इससे आपके डॉग की बॉडी ग्रो जल्दी होगी
और आपका डॉग हेल्दी होगा। अगर आप ये दोनों नहीं दे सकते तो आप उसे ड्रूल भी दे सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि आपके डॉग को पानी की कमी ना हो। बार बार एक या दो घंटे में आप उसे पानी दीजिएगा। अब बात करते हैं 2 से लेकर 4 मंथ तक आप अपने पपी को क्या देना। आप उसे स्टार्टर फूड दे सकते हो दिन में 2 बार। उसके साथ ही दही छाछ आपको देना है उसे। और उसकी बॉडी जल्दी ग्रो करने के लिए आप उसे चावल के साथ एग भी दे सकते हैं। उसे ये 2 दिन में भी दे सकते हैं या एक एक दिन गैप छोड़ के दे सकते हैं। और साथ साथ में आप उसे फ्रूट्स एप्पल भी देना है। और एप्पल देते वक्त ध्यान रखिएगा कि एप्पल का बीज आप उसे नहीं देना है, क्योंकि वो पॉइजनस होता है। इस एज में पपी फूड आपको इन्हें दिन में 3 या 4 बार देना है। और आपके डॉग के बॉडी की स्किन जो है रफ हो रही है तो आप उसे सैल्मन ऑयल भी दे सकते हैं, और इसे आप उसके फूड के साथ भी दे सकते हैं। और वेजिटेबल्स भी आप उसके साथ साथ में चालू कर सकते हैं। और उसकी मसल नहीं बढ़ रही, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा तो आप उसको चावल एक के साथ चिकन या नॉनवेज कुछ भी दे सकते हैं, या आप उसको ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, और आप उसे चावल खिचड़ी भी दे सकते हैं। और ये जो डॉग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। चलो तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का आप उसे क्या क्या दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके डॉग की बॉडी जो ग्रो नहीं हो रही है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप उसके फूड को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस एज में आपको उन्हें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स भी देना है। इससे आपके डॉग को विटामिन्स की कमी नहीं रहेगी, और आप उनके लिए विटामिन्स की दवा भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करके ये विटामिन की दवा चालू कर सकते हैं। और साथ साथ में एग ऑयल, मतलब फिश ऑयल, फिश चिकन दे सकते हैं। और चिकन जो है आप उसको बॉईल करके ही देना है, कच्चा नहीं देना है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। और आपको अपने डॉग को ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और वॉक पे भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं 12 मंथ से 15 मंथ तक आपको अपने डॉग को क्या देना है। इस एज में आप उन्हें एडल्ट फूड देना भी चालू कर सकते हैं। आपके डॉग को कौन सा फूड सूटेबल हो रहा है या नहीं, उसका इफ़ेक्ट हो रहा है नहीं, ये देख के भी आप उसे दे सकते हैं। और आपको 3 या 2 एग देना है सुबह, दोपहर को और शाम को। लेकिन एग आप उसे रेगुलर ना दे, 2-2 दिन छोड़ के आप उसे दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप उन्हें घर का खाना भी दे सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी, छाछ, दही, पर आपको उसे मिल्क अभी भी नहीं देना है। आपका बजट ज़्यादा नहीं है या आप उसके लिए डॉग फूड नहीं ले सकते तो आप उसको घर का खाना भी दे सकते हैं, पर आपको उन्हें उसको घर का खाना और थोड़ा सा डॉग फूड मिक्स करके देना है। और 12 से लेकर 15 मंथ तक आपके डॉग के खाने में भर भर के न्यूट्रिशन और प्रोटीन होना चाहिए। और अगर आपके डॉग का वज़न नहीं बढ़ रहा तो आप उन्हें 3 टाइम खाना दे सकते हैं। या आपके डॉग का वज़न ज़्यादा ही बढ़ गया है तो आप उसे ज़्यादा खाना नहीं दें, तब आप उसे सिर्फ 2 टाइम ही खाना दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपके डॉग्स की डाइट चार्ट प्लान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।